वहीं दिल्ली में कोरोना के हालात पर हाईकोर्ट की बड़ी टिप्पणी आई है। हाईकोर्ट ने कहा है कि जल्द ही देश की कोरोना कैपिटल बन सकता है दिल्ली, यानी कोरोना की राजधानी दिल्ली बन सकता है। केजरीवाल सरकार कोरोना से निपटने में नाकाम रही है, ये हाईकोर्ट ने बेहद तल्ख बेहद सख्त टिप्पणी की है। दिल्ली सरकार ने टेस्टिंग को लेकर बड़े दावे किए, दावों के बावजूद दिल्ली में कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, यानी टेस्टिंग के सिर्फ दावे किए गए थे उतने टेस्ट हो नहीं रहे हैं और कोरोना के आंकड़े बहुत तेजी से दिल्ली में बढ़ सकते हैं। दिल्ली उच्च न्यायालय दिल्ली हाईकोर्ट ने कड़ी टिप्पणी की है दिल्ली सरकार पर। दिल्ली की हवा बद से बदतर होती जा रही है, धुंध की चादर दिल्ली पर पूरी तरीके से छाई हुई है। इस वक्त हम दिल्ली के अक्षरधाम पर मौजूद हैं, जहां आप देख सकते हैं किस कदर धुंध की चादर दिल्ली पर इस वक्त पूरी तरीके से फैली हुई है। जिस तरीके दिल्ली की हवा लगातार जहरीली हो रही है, वो उससे कहीं ना कहीं दिल्ली में रहने वाले लोगों की सेहत पर दुष्प्रभाव जरूर पड़ रहा है। अगर दिल्ली में आज हवा की गुणवत्ता की बात करें तो PM2.5 486 है और PM10 457 है, जो बेहद खतरनाक है, सीवर कैटेगरी से ऊपर पहुंच चुका है। खुद इस वक्त हम आपको इस बारे में बता रहे हैं तो हमारी आंखों में जलन और बात करने में तकलीफ हमें महसूस हो रही है।